नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने बिल्हौर कोतवाली का किया निरीक्षण, सुनिए क्या बोले। मानक ऊपर कहा जा रहा है, पुलिस में बहुत सारी मानक है, हम किसी मानक को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। चैन भी देखते हैं, बहुत जल्दी भी देखते हैं, परफॉर्मेंस लेवल भी इंजीन मिलकर चेक करते हैं, जो हमारे नए भवन कारखाने का निर्माण होना है इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी देखते हैं, क्योंकि बिल्हौर थोड़ा दूर का थाना है, रोज रोज आना नहीं होता है, इसलिए यहाँ मैं पर्याप्त समय निकाल कर गया हूँ। 3-4 घंटे बैठूँगा, सब से बात करूँगा, घूम भी रहा हूँ। बेहतर पुलिसिंग के लिए सब क्या करेंगे? बेहतर पुलिसिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम लोगों को बार बार गाइड किया जाता है। अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने अभी त्यौहार को देखते हुए क्या क्या हमें करना है इस संबंध में विस्तृत बीसी करके पूरे सभी पुलिस अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को बताया था। हमारे डीजीपी साहब वो भी समय समय पर हम लोगों को बीसी करके गाइड करते रहते हैं, कल ही उन्होंने भी बीसी की। तो फिलहाल हम लोग आने वाला त्यौहार का मौसम है, जन्माष्टमी है, चैलू में, उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो रूटीन की जो पुलिसिंग है उसमें हम लोग, आपने देखा होगा यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग के लिए पुलिस की जांच टीम है, हर शाम को आपको खराब होकर चौराहों पर दिखाई देती होगी। मैं स्वयं भी कई जगहों पर शहर के अंदर फुट पेट्रोलिंग कर चुका हूँ और आगे भी हमारी इस तरह की फुट पेट्रोलिंग जाएगी। जैसे आप लोग कैमरा लगे ढूंढते रहते हैं, उसी तरह से हम लोग भी जगह जगह पर कैमरा लगवा रहे हैं, ताकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, बरखा भी होगा, कि बहुत सारे केसेस हमारे कैमरे के आधार पर वर्कआउट हो जा रहे हैं और कैमरे से वो सबूत मिलता है जो अकाट होता है एकदम, उसको न्यायालय भी मानता है कि यहाँ पे सबूत है, आदमी चोरी करते समय गया है, अभा निकला भी सामान के साथ निकला है, या किसी मेला से छेड़खानी हुई है, कोई भी लूट की घटना हुई वो भी कैमरे में कैद हो जाती है, एक पुख्ता सबूत का काम करती है। हमारे बहुत सारे केसों का अनावरण भी हुआ है, कैमरे लगाने का अभियान, खुद पेट्रोलिंग का अभियान। फिर जब हम एक बार किसी को चार्जशीट कर देते हैं तो उसके केस को हम लोग पशु पहले नहीं किया करते थे, जो पुरानी जो पुलिस का पैटर्न था उसमें चार्जशीट के बाद पुलिस सुस्त हो जाती थी, लेकिन अब हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया हुआ है। ऑपरेशन कन्विक्शन में आदमी को जब तक सजा नहीं मिलती तब तक हम इस केस को बात करते हैं, तब तक लगे रहते हैं। उसके चलते हुए मैं आपको बताऊँ, विगत एक महीने में ही हमने 60 से ज़्यादा केसेज में सजा करवाई है, कई लोगों को तो आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो हमारा जो सुधार का प्रयास है लगातार जारी है। सर, जो आपने निरीक्षण किया है इस पर सर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये दूर का थाना है, कई घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं, तो हम लोग हेडक्वार्टर में यानी कानपुर में बैठ कर के मॉनिटर करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर गिरफ्तारी का परसेंटेज बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर्पज से इन लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम आए थे, तो हमने किया। सर, जैसे सट्टा माफिया कुछ दिनों पहले सट्टा का व्यापार बंद हो गया था, लेकिन फिर थोड़े दिन पुलिस की सक्रियता रहती है, उसके बाद फिर पुनः संचालन हो जाता है, क्या सट्टा माफिया पर कोई लगाम? सबका लगाम लगा जाएगा, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, या महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, किसी भी तरह का अवैध कारोबार चल रहा हो, गो कसी चल रही हो, गोवध चल रहा हो, या पशु तस्करी चल रही हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी चल रही हो, हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और उनको चिन्हित करके वहाँ पर स्पेशलाइज पुलिस दी जाएगी। आज तकनीक का जमाना है, 112 नंबर पर जितनी कॉल जाती हैं उसके आधार पर ही 112 यानी लखनऊ वाले सेंटर से भी मॉनिटरिंग करके डाटा एनालिसिस करके हम लोगों को पॉइंट बताए जाते हैं, इन संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से सभी इलाके के निवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो त्यौहारों के अवसर पर आपसी प्रेम भाव सद्भाव बनाए रखें, भाईचारे के माहौल में त्यौहार मनाएं और पुलिस की सेवा के लिए